डीडी अकादमी की तरफ से 22 जून के करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, साथ ही साथ इसका मॉक टेस्ट पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, इससे अवश्य आप फायदा उठाएं। सबसे पहला आज का सवाल है, और केवल ये करंट अफेयर्स के लिए जरूरी नहीं है बल्कि हमें भी जानना जरूरी है, अगले साल से जल का महासंकट कितने शहरों में होगा। तो ये 21 शहरों में होगा, और इस बात का जो है खुलासा, तस्दीक जो भी बोलिए, 100% कंफर्म भी है कि नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुआ है। बेसिकली इसकी एक रिपोर्ट तो 2018 में ही जारी हो चुका था। तो बोला जाता है भारत इतिहास में अपने सबसे खराब जल संकट के समय से गुजर रहा है, और अगले साल 2020 को बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद सहित 21 शहर का भूजल जो है, जमीन के अंदर का जल का जो क्या कहते हैं लेवल है, वो काफी नीचे चला जाएगा। और इसका कारण है कि इस शहरीकरण के चक्कर में हम सबमर्सिबल पानी पंप लगा के मट्टी के नीचे से पानी खींच रहे हैं, और बस एकमात्र यही कारण है कि हमारे इन बड़े शहरों में जल का महासंकट जो है चल रहा है। अभी तो संकट चल रहा है, और 2020 तक आते आते महासंकट में परिवर्तित हो जाएगा। अब अगले सवाल पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2019 को मंजूरी दी गई है? ये उत्तर प्रदेश की है सरकार है। क्या कहते हैं, यहां पर जो है एक उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस UPPO जो अगले पिछले दो दिन में ही उसको लाया गया है, और ये एक अध्यादेश के तहत में लाया गया है। और इस अध्यादेश में है कि सारे जो प्राइवेट कॉलेज है उन पर एक नियम तो अवश्य लागू होगा कि विश्वविद्यालय के परिसर में किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि हमारे यहाँ कहीं पर भी कोई अब देश विरोधी काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई अध्यादेश लाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो भी ये लाया गया है, जरूर ही कुछ अच्छा सोच के ही लाया गया होगा, क्योंकि आप अगर देश में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, तो देश के अगेंस्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी देश विरोधी गतिविधि कहीं नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं। सितंबर 2019 में UNCCD के COP14 की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए, ये सवाल को तो मैंने ऐसे अगर पूछा जाए, इसे थोड़ा सा घुमा के मैंने कल के जो सवाल था उसमें मैंने पूछा था, ये भारत करेगा। UNCCD क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट डिसर्टिफिकेशन। तो भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए पहली बार भारत में सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 14वें सत्र जो है UNCCD मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट डिसर्टिफिकेशन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन की मेजबानी भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाएगी। इस आयोजन में 197 देश से 5,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। तत्काल ट्रिपल तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित विधेयक का नाम बताइए। तो यह है आपका मुस्लिम महिला विधेयक 2019। एक सवाल होगा कि आज ही कैबिनेट में अगर ये लोकसभा से पारित हो गया था तो आज ही लोकसभा में इस बिल को फिर से क्यों लाया गया? क्योंकि इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम था, लोकसभा में पारित हुआ था, राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया, इस पे ऑर्डिनेंस जारी हो गया, इधर लोकसभा भंग हो गया। तो जिसके लिए इस नए, ये 16वीं लोकसभा की कहानी है, तो टेक्निकलिटी यही है कि 17वीं लोकसभा के लिए फिर से इस कानून को, बिल को जो है आपके लोकसभा में रखना पड़ा। अब नेक्स्ट आते हैं।
तेलंगाना में गोदावरी नदी पर किस परियोजना को जून 2019 में राष्ट्र को समर्पित कर दी गई, तो इसको जरूर याद रखेंगे, थोड़ा इसका जान भी लेते हैं। ये कालेश्वरम परियोजना है, ये दुनिया का सबसे बड़ी कालेश्वरी गोदावरी जो है लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। थोड़ा सा हम समझ लें कि लिफ्ट सिंचाई परियोजना होता क्या है। देखिए गोदावरी नदी तेलंगाना में, गोदावरी नदी जो है वो आपके गोदावरी समतल भूमि से 400 मीटर से ऊपर है, तो मतलब जमीन को काफी ऊपर है, जिसके लिए गोदावरी की जो पानी है वो सिंचाई के काम में नहीं आ पाती इतनी, मतलब चूंकि जमीन काफी ऊंचा है, जिसके लिए तेलंगाना में आप जानते हैं कि भूखमरी की कगार पे है, किसान लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसमें जो है एक दुनिया का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन बनाया गया है जो पानी से 330 मीटर नीचे और 139 मेगावाट की क्षमता, इसके द्वारा क्या होता है, ये पानी को ऊपर उठाया जाता है और हर दिन 13 टीएमसी पानी दुनिया के सबसे लंबी 14.09 किलोमीटर की सुरंग के जरिए मेडीगड्डा बैरेज में पहुंचाया जाता है। यहां से नहरों के जरिए इस विभिन्न सूखाग्रस्त इलाकों और शहरों को पानी भेजा जाएगा। आप समझ सकते हो 330 मीटर मतलब आप एक किलोमीटर को तीन भाग बराबर होता है आपका 330 मीटर। अब 330 मीटर पानी को पंप से उठाना, उठाने के बाद उस पानी को फिर आपको एक क्या कहते हैं टनल में डाला जा रहा है जो खुद ही 15 किलोमीटर लंबा है और यहां से पानी गुजरते हुए मेडीगड्डा बैरेज में पहुंचता है और इसे अब ये आशा किया जा रहा है कि अगले साल से जो है तेलंगाना में पानी की समस्या बहुत कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने अमेरिका के एक टोही ड्रोन को मार गिराया जिससे दोनों देशों के मध्य तल्खी बढ़ गई, तो ईरान है। ईरान ने, अब ईरान का कहना है कि ये जो अमेरिका की जो प्लेन थी वो उसकी सीमा में घुस आई थी, उन्होंने स्वीकार किया इसे मार गिराया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी तो गर्म हो गए, उन्होंने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान की सेना भी उतना ही है, उसने ऐलान कर दिया कि हाँ भाई आ जाओ हम जंग के लिए तैयार हैं। इससे जो क्या है खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और कच्चे तेल के दाम में इजाफा हो रहा है, अभी तक 6% बढ़ चुका है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, चीन के जिंगताई में आयोजित 2019 एशियन कॉन्टिनेंटल शतरंज चैंपियनशिप में ब्रिज इवेंट को किसने जीता, ये निहाल सरीन है। देख के हैरत होंगे, पहली बार पिक अगर देख रहे हैं तो ये केवल 14 वर्ष का है और ये इसने फाइनल में मुकाबले में ईरान के अलीरेजा फिरोजा को इन्होंने हराया है और इसके साथ ही साथ फाइट की रेटिंग सूची में उसे 2600 एलो अंक पार किए हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाला, मतलब 26 एलो अंक को जो पार कर जाता है तो ये अपने बारे में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह से ये तीसरा सबसे युवा बन गया जिन्होंने 2600 एलो अंक को पार किया है। अब नेक्स्ट आते हैं, किस समिति ने हाल ही में छठी बार केंद्रीय मंत्रिमंडल से 2 महीने का विस्तार मिला। देखिए ये तो एकदम है ओबीसी के उप वर्गीकरण का परीक्षण करने वाली समिति, एकदम सही है, क्योंकि ये जो है इसका कार्य, इसको मैं एक बार और भी ले चुका हूं, इसका कार्यकाल जो है 31 मई को समाप्त हो गया था, अब इसे 2 महीने यानी 31 जुलाई 2019 तक इसको मतलब बढ़ाया गया है इसके वर्किंग पीरियड को। अब नेक्स्ट आते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से किस उत्पाद के लिए जीआई टैग दिया गया, ये कोल्हापुरी चप्पल है। महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र के बहुत सारे एरिया में जो है ये बनते हैं, जैसे कोल्हापुर में तो बनते ही है कोल्हापुरी चप्पल है, सांगली सोलापुर तो सतारा
इसी तरह कर्नाटक के बेलगाम, धारवर, बागलकोट तथा बीजापुर, यहां पर भी ये बनते हैं। तो कोल्हापुर की जो मेन चप्पल तो पहले कोल्हापुर से हुई थी, अभी क्या ये हर जगह उत्पादन होने लगे हैं और इसकी इतनी आम हो गई है कि इसकी कीमत इतनी गिर गई है कि इस चप्पल को बना के कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पेटेंट डिजाइन एवं ट्रेडमार्क महानिदेशक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ राज्यों के लिए कोल्हापुरी चप्पल बनाने की GI टैग दे दिया है। तो मतलब इस टैग के बगैर ये भी एक पेटेंट की तरह ही बात होती है, दूसरा कोई इस चप्पल को नहीं बना सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में कितने पत्रकारों को मातृश्री मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये 29 जन है। इसके अलावा भी एक जन को जो है सामाजिक कार्यकर्ता को पुरस्कृत किया गया है, जो इसे भारत माता की शील्ड दिया जाता है, जिसे हम देख रहे हैं यहां पर। अब नेक्स्ट आते हैं, भारत और थाईलैंड ने किस क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। थाईलैंड भारत से जो है बहुत तरह के खगोल विद्या में हेल्प चाहता है, इसके लिए उन्होंने खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान, इन तीनों के ऊपर भारत ने थाईलैंड के बीच सहयोग किया। अब नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने धुएं से रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा नाम से परियोजना आरंभ की है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और ये जो है इस बार महाराष्ट्र में जो अभी जो बजट सेशन हुआ, तो इस बजट सेशन में ये पायलट प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है और बोला गया है कि ये प्रोजेक्ट उन्हीं को मिलेगा जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, कल का जो सवाल था, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जवाब काफी कम आए थे, लेकिन बहुत सारे सही जवाब भी आए थे, कुछ जवाब गलत थे। तो 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जो है ये विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है वो दिल्ली में बनाया जाएगा, जो हम पहले ही बोल चुके हैं, और ये जो है 14वां सत्र का होगा। इसे हम UNCCD बोलते हैं, इसे याद रखना होगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन। और ये COP जो है इसका मान है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब है कि इस बैठक में जैसे बोला 197 लोग से 5000 प्रतिनिधि भाग लेंगे और ये आयोजन जो है 19 अगस्त से 14 सितंबर 2019 के बीच और दिल्ली में किया जाएगा, बीच होगा और ये जो है दिल्ली में होगा। अब आज का जो सवाल है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, सवाल ही नहीं, आप सबको पता है, फटाफट उत्तर दे डालिए, मैं आपके उत्तर के आशा में बैठा हुआ हूं। तो आपने समय दिया इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले एक बार जरूर बोलूंगा कि जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या बेल बटन को नहीं दबाया है, उनसे मेरा अर्जी है कि प्लीज इसे करें और साथ साथ देखें कि ये लिंक जो है नीचे दिया गया है, इसमें मॉक टेस्ट का भी लिंक है, आप इसका फायदा अवश्य उठाएं।